हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ माय वीडियो सीरीज पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत। सो लास्ट वीडियो में हमने अपने फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर को कवर अप कर लिया था। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना नया चैप्टर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। सो शुरू करते हैं मेरे आज की वीडियो। मेरा नाम है अनंत और आप देख रहे हैं ई गुरुकुल एनसीईआरटी स्टफ। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में आते हैं, जो आर्टिकल 36 से लेके 51 तक हैं। हमने इन्हें आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है और उन्होंने इसे स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से कॉपी किया है। बी आर अम्बेडकर जी ने इन्हें नोवल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताया है। ग्रेविले ऑस्टिन ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल राइट्स को कंसाइंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताया है। अब हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल के फीचर्स के ऊपर कुछ बात कर लेते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का मतलब क्या होता है? बेसिकली ये उन आइडियाज़ को डिनोट करता है जिनको ध्यान में रखकर स्टेट कोई भी पॉलिसीज या लॉ बनाता है। ये बेसिकली स्टेट के लिए कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रक्शंस या रिकमेंडेशन हैं कि जब कभी भी वो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स पे लॉ बनाए तो वो इन इंस्ट्रक्शंस को ध्यान में रखकर लॉ बनाए। अब आर्टिकल 36 के अकॉर्डिंग स्टेट टर्म जो कि पार्ट 4 में यूज किया गया है उसका सेम मीनिंग है जो फंडामेंटल राइट्स के पर्सपेक्टिव में पार्ट 3 में यूज किया गया है। ये इंक्लूड करता है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स को। अब अगर ब्रिटिश पीरियड के पर्सपेक्टिव में बात करें तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर लाइक इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इंडिया के गवर्नर जनरल और गवर्नर्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंडर में दिए जाते थे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जस्टिस, लिबर्टी, इक्वेलिटी और फ्रेटर्निटी के हाई आइडियाज़ को अंडरस्टैंड करने में एम करते हैं, जैसे कि हमारे प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आउटलाइन किया गया है। ये एक वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। आर्टिकल 37 कहता है कि ये प्रिंसिपल्स एक कंट्री की गवर्नेंस के फंडामेंटल्स हैं और ये स्टेट की ड्यूटी बन जाती है कि वो लॉ मेकिंग में इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वैसे तो नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर होते हैं, बट ये कोर्ट को किसी भी लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को एग्जामिन करने में हेल्प करते हैं। अब बात करते हैं हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल के क्लासिफिकेशन के बारे में। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को बेसिकली 3 ब्रॉड कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है, सोशलिस्ट, गांधियन और लिबरल इंटेलेक्चुअल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोशलिस्ट प्रिंसिपल के बारे में। ये बेसिकली सोशलिज्म की आइडियोलॉजी को रिफ्लेक्ट करते हैं। ये एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट स्टेट का फ्रेमवर्क ले डाउन करते हैं जिसमें ये सभी लोगों को सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड करने का एम करते हैं और वेलफेयर स्टेट की तरफ जाने का एक रास्ता सेट करते हैं। आर्टिकल 38 स्टेट लोगों के वेलफेयर को प्रमोट करने की कोशिश करेगा और एक ऐसा सोशल ऑर्डर बनाने की कोशिश करेगा जहाँ सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस मिलेगा। इसके बाद स्टेट पूरी तरह से कोशिश करेगा कि इनकम इनइक्वालिटीज़ को मिनिमाइज किया जाए। अब ये कैसे होगा? जब सबको बराबर की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी तो ये पॉसिबल हो सकता है। अब इनकम इनइक्वालिटी हटाने से सबको बराबर का स्टेटस मिलेगा, सबको बराबर की फैसिलिटीज़ और अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। लेकिन आप लोग खुद सोचिए, क्या इनकम इनइक्वालिटी को कम किया जा सकता है? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि ये तो हर आदमी की कैपेबिलिटी पर डिपेंड करता है ना। जिसकी जितनी कैपेबिलिटी होगी, जिसकी जितनी क्षमता होगी, वो उतनी मेहनत करेगा और उतना ही कमाएगा। सो ये इनकम इनइक्वालिटी का प्रोविज़न 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 के बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ है। आर्टिकल 39 स्टेट को अपने सारे सिटीजन्स को एक एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड देने के लिए डायरेक्ट करता है। मेरा मतलब है कि स्टेट सारे नागरिकों को पर्याप्त आजीविका दे सके सो दैट कि वो एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सके। इसके बाद ये सारे मटेरियल रिसोर्सेज के इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है सो दैट कि हर नागरिक का भला हो। मटेरियल रिसोर्सेज में हमारे कोल माइंस, फॉरेस्ट और भी बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज आ जाते हैं। इसके बाद ये इकोनॉमिक सिस्टम के ऑपरेशन की बात करता है कि इकोनॉमिक सिस्टम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ को ऐसे ना ऑपरेट करे कि वेल्थ कुछ लोगों तक ही कॉन्सेंट्रेट होकर रह जाए, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ सब में बराबर में बटे, जो कि रियलिटी में होता नहीं है बेसिकली।
इसके बाद ये आदमियों और औरतों को इक्वल वर्क के लिए इक्वल पे देने की बात करता है। इसके बाद ये आर्टिकल कहता है कि किसी भी वर्कर की वेल्थ और स्ट्रेंथ से ज़्यादा फोर्सिएबल उससे काम नहीं कराया जाएगा और ये प्रोविज़न चिल्ड्रंस का फोर्सिएबल एब्यूज़ करने से भी रोकता है। एब्यूज़ करना कैसा भी हो सकता है, मतलब फिजिकल एब्यूज़ भी हो सकता है और मेंटल एब्यूज़, ये हर तरीके के एब्यूज़ को रोकता है। इसके बाद ये आर्टिकल कहता है कि चिल्ड्रंस को हेल्थी डिवेलपमेंट की अपॉर्चुनिटी दी जाए सो दैट कि वो फ्रीली अपनी लाइफ डिग्निटी से जी सकें और उनका चाइल्डहुड एक्सप्लॉयटेशन से बचा रहे। सो आर्टिकल 39, ये सारे प्रोविजंस जो मैंने ऊपर बताए हैं उनको एक स्टेट को इम्प्लीमेंट करने के लिए डायरेक्ट करता है। अब आर्टिकल 39A यहाँ पर कह रहा है कि अगर कोई इंसान यहाँ पर गरीब है तो उसको भी इक्वल जस्टिस पाने का हक है और उसे भी फ्री लीगल एड प्रोवाइड होने चाहिए। सो यहाँ पर सबको जस्टिस देने की बात कही गई है, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, सबको जस्टिस पाने का राइट है। आर्टिकल 41 स्टेट को राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन और राइट टू पब्लिक असिस्टेंस अनएम्प्लॉयमेंट के केस में, ओल्ड एज के केस में, सिकनेस और डिसेबलमेंट के केस में सिक्योर करने की बात करता है। अब क्योंकि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है सो यहाँ पर गवर्नमेंट बाउंड नहीं है ये सब प्रोवाइड करने के लिए। आर्टिकल 42 वर्किंग कंडीशन के ऊपर बात करता है। ये कहता है कि वर्किंग कंडीशन जस्ट एंड ह्यूमन होनी चाहिए सो दैट कि आदमी उस कंडीशन में सही से काम कर सके, और ये आर्टिकल मैटरनिटी रिलीफ की भी बात करता है। आर्टिकल 43 लिविंग वेज को सिक्योर करने की बात करता है। यह कहता है कि सारे वर्कर्स को डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ और सोशल और कल्चरल अपॉर्चुनिटीज मिले। लिविंग वेज का मतलब लाइफ की बेसिक नीड्स से है, जिसमें फूड, शेल्टर और क्लोथिंग आता है, मतलब रोटी, कपड़ा और मकान आता है जिसमें। मेरा मतलब है एक इंसान को जीने के लिए जिन बेसिक नीड्स की ज़रूरत होती है वो लिविंग वेज कहलाते हैं। लिविंग वेज एजुकेशन, हेल्थ और इंश्योरेंस को भी इंक्लूड करता है। आर्टिकल 43A मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज में वर्कर्स का पार्टिसिपेशन सिक्योर करने के लिए स्टेप लेने की बात करता है। आर्टिकल 47 लोगों के न्यूट्रिशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को रेज करने की बात करता है और पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करने की बात करता है। सो गाइज, ये थे हमारे सोशलिस्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। आई होप आप लोगों को सोशलिस्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को समझने में हेल्प हुई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए मेरी वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और शेयर कीजिए मेरी वीडियोज़ को सो दैट कि और लोगों तक भी ये पहुँचे और मुझे भी ग्रो होने में हेल्प हो सके।